आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकित काला। धामी सरकार के गठन के बाद अब मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है और धामी सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बने सौरभ बागुणा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कई सारे महत्वपूर्ण विभागों को सर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप धामी सरकार के सबसे युवा मंत्रियों में से एक हैं सर, और जो आपको विभाग मिले हैं, गन्ना है चाहे कौशल विकास का, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों? देखिए, धन्यवाद करूंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने मुझे चार विभागों की जिम्मेदारी दी है, और जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज़ है, और आपके स्किल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, और गन्ना विकास है। और चारों विभाग मैंने जो समीक्षा करी आज सुबह अधिकारियों के साथ, जो देखने को मिला है कि ये सारे विभाग ऐसे हैं जिससे हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, दूरस्थ जो पर्वती जो हमारे लोग हैं, जो दूरस्थ गांव में बसे हुए हैं, क्षेत्र में बसे हैं, उनको रोज़गार भी उपलब्ध कराया जा सकता है, उनकी आमदनी का एक बहुत अच्छा ज़रिया ये चार विभाग बन सकते हैं। और आज मैंने जो पता लगाया कि ट्राउट फार्मिंग हमारे क्षेत्र में, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें ट्राउट फार्मिंग एक बहुत बड़ी हिट रही है पिछले 3-4 साल में, और लगभग जो हमारा उत्पादन है वो 5 से 6 गुना बढ़ा है ट्राउट फार्मिंग का, और उसको हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और जो हमारे कौशल विकास है, जो माननीय मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना भी है कौशल विकास, उसको हम, कोरोना के कारण हमारा बजट यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया था पिछली बार, उसको कैसे आगे बढ़ा के युवाओं को स्किल करके उनको जॉब्स दिलाए जा सके, इस पे फोकस रहेगा हमारा। आपके पास सर गन्ना ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जो किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है, और बकाया गन्ने का भुगतान हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, सत्र में भी उठाया जाता है, तो इन सब चीज़ों का नहीं, हमने खुद भी उठाया हुआ है। मैं खुद एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पे चीनी मिल से प्रभावित है, गन्ना किसान बेल्ट है वो, और हमने भी क्षेत्र में ये सारी बातें उठाई हैं और सदन में उठाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि जो 5 साल मैंने सितारगंज चीनी मिल के लिए संघर्ष करके बंद होने के बाद उसको वापस खुलवाया, गन्ना किसानों के साथ बैठ के जो चर्चाएं हुई हैं, जो उनके हमने सदन में सवाल उठाए हैं, तो एक मोटा मोटा हम लोग को एक पूरा आइडिया है कि चीनी मिल में क्या समस्याएं हैं आ रही हैं, गन्ना किसानों के भुगतान में क्या समस्या आ रही हैं, उनका उत्पादन कैसे ठीक किया जा सकता है, उनका लॉस कैसे रिकवर किया जा सकता है। तो समीक्षा बैठकों के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के उस पर विस्तार रूप से चर्चा करके, और आपको ज़रूर इन 5 सालों में इन विभागों में अच्छा काम होते हुए दिखेगा। उत्तराखंड में सर कर्मचारियों का देखा जाता है कि आपकी जगह जो अधिकारी हैं वो बेलगाम रहते हैं, उनसे आप किस तरीके से निपटेंगे? अगर आपको विभागों को सरप्लस करना है तो कहीं ना कहीं अधिकारी को, देखिए बेलगाम कोई अधिकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई अधिकारी ठीक रूप से काम नहीं कर रहा है तो उसको जो भी उसका दंड है वो जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जय भारत टीवी के लिए समय निकाला। तो ये थे धामी कैबिनेट के नवनियुक्त मंत्री सौरभ बागुणा, जिनको कई सारे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, और जय भारत टीवी से खास बातचीत में उन्होंने बताया है कि उनका फोकस रहेगा कि जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसका वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसका पालन करेंगे, साथ ही जो भी विभाग हैं उन विभागों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं जो रोजगार है उसको बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारे काम पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।